ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਰਜਨ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੱਥਾ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸਨਤ ਗੋਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ ਬਾਈਕ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਗਲ ਸਿਟੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। और हमारे इसमें की एलिमेंट क्या था कि हम यहाँ पे नेचर दिखाना चाहते हैं ऊना की, तो हम भागला नंगल डैम से एक बोटिंग करते हुए पूरी गोविंद सागर लेक को क्रॉस कर रहे हैं। वो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है, उस 15 किलोमीटर को हम 1.5 घंटे में ट्रैवल करेंगे पूरी बोटिंग में। जैसे हम बोटिंग खत्म करके रायपुर मैदान पहुंचेंगे, वहाँ पे हमने एक अपना कैंपिंग का इंतजाम किया हुआ है ताकि हम नेचर की ब्यूटी को हम एनालाइज कर पाए और निहार पाए। तो ये एक इनिशिएटिव था कि यूथ और नेचर को इकट्ठे जोड़ना है। उस इनिशिएटिव में हम आज कम से कम 30 का हमारा ग्रुप है चंडीगढ़ से, हम जो निकले हैं और 30 के ग्रुप को हम इकट्ठे यहाँ से ऊना लेकर जा रहे हैं। 2 दिन का इवेंट है हमारे, 2 और 3 सितंबर का। नंगल पहुंचे हो यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे ऊना के करण जी है, करण जी के नाम से एक पैशनेट साइक्लिस्ट है, वो हमें यहाँ पे लेके आए थे। हमारे लस्सी का इंतजाम किया हुआ था, तो ये एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है जो एक साइक्लिस्ट के लिए करता है। आपने पहले भी ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं? जी, हमने काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, बट वो हमने इन ट्राई सिटी ही प्लान किए थे। ट्राई सिटी मतलब चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, राइट। बट ये अब हम इसको आउटस्कर्ट्स पे लेके जा रहे हैं, तो आउटस्कर्ट्स का मतलब है हम सारी कंट्री साइड दिखाएंगे। कंट्री साइड के लिए हम ऊना को हम एक्सप्लोर करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे। तो हम लोगों का 2 दिन का प्रोग्राम है ये एक्सपीडिशन, इसमें हम लोग साइकिलिंग भी करेंगे, देन बोटिंग भी करेंगे, देन वी विल स्टे इन कैंप एंड फिर कल हमारा लौटना होगा। 125 दोनों साइड है, 250 किलोमीटर हम लोग कवर करेंगे। एंड ये एक कोशिश है नेचर से कनेक्ट करने की, मतलब साइकिलिंग करके हम लोग व्हीकल से तो हमेशा जाते हैं, पर एक नेचर नेचुरल वे में वी आर ट्राइंग, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाने की, एंड वहाँ पर जाके वो फुली हम लोग, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा कि वहाँ पर हम लोग एंजॉय करेंगे। नंगल डैम में पहुँचो कैसा लग रहा है अभी? तो हमें फीलिंग नहीं आ रही अच्छी नंगल डैम की ना, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक है ना, तो वी आर मे बी आगे शायद वो वाला फील आएगा, डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा। नंगल डैम के बारे में हमने इतना अच्छा सुना है, तो नहर के किनारे से तो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। हाँ जी, और वो सतलुज का जो फ्लो है ना, बहुत सुंदर था जी। माई हॉस्पिटल जो है सेक्टर 69 पे है सर, तो ये हमारा एक हेल्थ केयर पार्टनर है, जिसको मैंने लास्ट मिनट में कल कहा था, तो दे एग्रीड टू दैट कि आप इसके अंदर हमारी तरह से फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड सारी सपोर्ट वो प्रोवाइड कर रहा है। आपका नाम सर? मैं सनत गोयल। सनत गोयल, हाँ जी। जी पहली बार आप आए सर इस एरिया में? पहली बार आया हूँ, अदरवाइज मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ साइकिलिंग में, एंड मैं आर्टिफिशियल लेग पे हूँ। ठीक है, चलो। कब से साइकिलिंग कर रहे हो सर? मैं 2016 से कर रहा हूँ जी। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था
और 2019 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। मैराथन भी जाता है। हाँ, मैं 21:10:5 के अंदर मेरा नेशनल रिकॉर्ड है, जिसके अंदर मेरे को सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह जी और मिलिंद सोमन से ऑनर हुआ। वो जो नई पीढ़ी नशे की दलदल में फंसती जा रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर यही कहेंगे कि इसमें मिलता तो कुछ है नहीं, गवाते ही हो, फाइनली है तो कुछ नहीं। इट इज मतलब देखो हर चीज़ एक लिमिट में ठीक होती है, ठीक है जी। नशा जो था ना, ये बेसिकली बनाया गया था एक माइक्रो लिमिट्स के अंदर था। अगर थोड़ा सा लेता बंदा, चलो कभी ईज करने के लिए ठीक था, पर इसको लोगों ने और तरीके से लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण हार्मफुल इफेक्ट्स ही, और इसके कारण कुछ फायदा तो मिल नहीं रहा, घर अलग तबाह हो रहे हैं, सारा कुछ तबाही हो रहा है इसके कारण। कभी किसी का कुछ हुआ तो है नहीं, तो मैं तो क्या ही कहूंगा इसके लिए, सभी समझदार हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पता होगा, अभी नौजवान वो चिट्टा पी के काला कर रहे हैं। सर देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके कारण अभी मैं हॉस्पिटल में ही था, तो उस दिन हॉस्पिटल में एक से बात हुई, बल्कि वो जैसे बीमार था, तो मैं उसको पूछा, मैं कहा साइकेट्री वार्ड में और सब में वैसे होते हैं ना, रिहेबिलिटेशन में हमारे पास होते हैं, तो पूछा मैं कहते क्या किस चक्कर में, कहता चिट्टा खाता था इस चक्कर में, कितना तूने फूंक दिया इसके अंदर, कहता जी 1 से ऊपर खर्चा हो चुका मेरा। भाई साहब 1 करोड़, मतलब जिस बंदे ने फूंक दिया सर, तो क्या मतलब उसकी क्या नहीं कर सकता था 1 करोड़ का। इस तरीके की हालत है लोगों की। और कुछ नहीं सर, अभी एक बंदे की चेन चोरी करी है, एक बंदे ने 2 तोले की चेन थी, हमारा कुलीग था, तो उसको बाद में पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, उसके बाद में ये पूछा भाई किस लिए तो चोरी करा, और अच्छी बोली यामा की बाइक थी उसके पास, इससे मतलब जो कैमरे में आई हमें भी था कि बंदा अभी 3-4 दिन पहले की बात है चंडीगढ़ की। हमने कहा मैंने यार बंदा तो देख बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको पकड़ाया तो उसे पूछा उसको भी क्या किस लिए, कह रहा है चिट्टे की आदत पड़ी हुई है, तो इस चक्कर में पैसे नहीं होते तो इसलिए करा। देखो फिर मतलब ये ड्रग्स के कारण ये सारा बढ़ रहा है, सब चीज़ें हो रही है, अब हम कुछ नहीं करते तो मेरे को तो ये लगता है सारे भाई बहन है, कुछ नहीं लेना देना किसी के साथ, कुछ नहीं रखता इन चीज़ों के अंदर। 2 मिनट की हवस होती है बंदे के, बाद में साला फिर वो दिक्कत ही फील करता है कि क्या करा मैंने, क्यों करा। बिल्कुल, आज सवेरे ही एक सरप्राइजिंग जानकारी मिली दोस्तों वालों की, आज ऐसी विद अपने साइकिलिस्ट यार दोस्त अपना इकट्ठे नंगल विजिट कर रहे हैं, अपना पाखड़ा डैम स्टे करना है, तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि नंगल एक यह जी साइकिलिस्ट वास्ते बहुत एक हैवनली प्लेस है, जिते एक साइकिल चलाने का जड़ा जिन्हों शौक है उसके लिए एक बहुत ही आनंद पूर्वक चीज़ रहती है। तो बड़ी खुशी हुई 20 तो 25 साइकिलिस्ट आए थे, तो हूँ वो पाखड़ा डैम वाल अगे गए ने, तो आज वो पाखड़ा डैम वाल ही अगे कैंपिंग करके स्टे करूँगे। तो बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के लोग अपा लोग नंगल दे विच रहिंदे होए भी इन्हां चीज़ां दा आनंद नहीं माण पा रहे हैं, बट वैल्यू उन्हां नूं पता जिहड़े नंगल तो बाहर रह रहे ने, जिहड़े नेचर दे करीब आना चाहते ने, तो सानूं भी इस तरह का उपराला करना चाहिए है कि आपां भी जाके अपने नंगल की जिहड़ी ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी है, इस चीज़ का आनंद माणिए। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ कम्यूनिटी के मैसेज देंगे हाँ कि एक जिहड़ा गो ग्रीन का जिहड़ा मैसेज हैगा। साडा नंगल बहुत छोटा जिहा शहर है, एक बड़ा सोहना जिहा शहर है, अगर आपां नंगल के सेंटर पॉइंट तो अगर पूरा नंगल अप्रोच करना है तो मेरे हिसाब नाल कम्यूट करन लई साडे लई एक साइकिल ही बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, रादर आपां गड्डियां या स्कूटी या स्कूटर नूं पिक करिए। एक सनत गोयल जी पहुंचे सके उन्होंने बारे दिओ जी। सनत गोयल जी मेरे बड़े करीबी दोस्त ने, और उन्होंने एम्पूटेड लैग हैगी है, उन्होंने नकली लत हैगी है, जो कि एक एक्सीडेंट 2019 के उन्होंने कट्टी गई सी, तो उस तो बाद भी उन्होंने देखो साइकिलिंग और मैराथन वगैरह दौड़ने नहीं छड़े, और अज नंगल दे लई बड़ी माण दी गल है कि सनत गोयल जी वर्गे लोग जिहड़े कि सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह जी वर्गे बहुत महान शख्सियतों वालों इन्हां चंगा कम्मां करके उन्होंने बहुत माण मिलिया है, तो साढ़े नंगल लिए ये बहुत मान की गल है कि इस तरह के साइकिलिस्ट और वधिया गिनेस बुक रिकॉर्ड होल्डर ने वह तो नंगल च आए ने, और सानू उन्होंने मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम बनाया साढ़े नाल, और उन्होंने बहुत चंगा लग्या, और उन्होंने ये जरूर किया है कि आप डेफिनेटली नंगल चो दोबारा आऊँगे, तो जिदे नाल नंगल का टूरिज्म भी प्रमोट होएगा, जो सब तो वड्डी गल है। नंगल च बहुत ज़्यादा साढ़े होर भी ग्रुप्स आते हैं, टर्बनेटर ग्रुप हैगा दिल्ली तो, हर साल मेरे को आते हैं, बड़ा चंगा लगता है। इस तरह साडा भाईचारा, साइकिलिस्ट भाईचारा बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंदा है, जिहदे नाल नंगल दे विच जिस टाइम आपां साइकिलिंग करनी शुरू की सी लगभग
छे तो सात साइकिलिस्ट थे जो रूटीन साइकिलिंग करते थे। आज साढ़े ग्रुप के मोर दैन 60% है जो रोज़मर्रा की जिंदगी साइकिल यूज़ करते हैं।